संगठनों के हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला सोनीपत की जिला कार्यकारिणी, जोनल कोऑर्डिनेटर भाई कुलदीप जी और सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नमन है, अभिनंदन है। साथियों, आपको पता है आज 29वां दिन हमारा स्टार्ट हो गया है। हमारे जोश में कहीं से भी कोई कमी नहीं आई है। कल हम हिसार में थे तो इतना सरप्राइज लग रहा था, जितना बड़ा टेंट लगा रखा था उससे डबल संख्या धूप के अंदर खड़ी हुई थी। साथियों, आपका जोश पूरा हरियाणा का, 22 के 22 जिले कहीं भी कम नहीं पड़ रहे हैं। अपनी मांग के लिए तत्पर खड़े हैं 35,400 के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा, अपनी यूनिटी बनाए रखिए। ये हमारी एकता ही अपने को 35,600 दिलाने का काम कर रही है। किसी भी जिले के अंदर हमारी संख्या कम नहीं हो रही है। कुछ बातें मीडिया में निकल रही है, ये तो अब छोड़ करके जाने वाले तंग हो लिए, लेकिन हमने साबित कर दिया है, हम न तो जब तक 35,600 नहीं मिलेगा न तो पंडाल छोड़ेंगे और न ही हम यहाँ से उठ करके जाएंगे। अपने भाईचारे के लिए, 35,600 के लिए जिस मुहिम को हमने चलाया था, जब तक वो हमको नहीं मिल जाती, हम साथियों पंडाल नहीं छोड़ेंगे। जोरदार तालियों से आश्वासन दीजिए आप। सरकार हर सबके लिए अपना रही है, आपके पास लेटरों के माध्यम से आ जाते हैं, लेकिन साथियों जब तक आपकी यूनिटी, जब तक आपका एकीकरण हमारे साथ में है, आपका विश्वास हमारे साथ है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हम बिल्कुल भी अपने हथियार नहीं डालेंगे। 5 तारीख तक का आपके साथ में प्रोग्राम आया हुआ है। 5 तारीख के बाद में जो भी कार्यवाही होगी वो अनिश्चित काल की तरह ही होगी। इसलिए या तो सरकार आपको पहले बुला लेगी, यदि नहीं बुलाती है तो साथियों आप अपना माइंड सेट तैयार कर लेना। मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब हमारी आर पार की लड़ाई है। न तो हम वापिस सरकार के पास जाना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि सरकार हमारे पास में आकर के ये भरोसा दिलाए कि 35,400 आपको दे करके रहेंगे। हमारा भाईचारा जितना भी बड़ा हुआ 22 के 22 जिलों में, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। CAWS आपके साये की तरह लगी हुई है। आप जैसे भी आवाज CAWS को दोगे, आप उसी तरह से CAWS का रिएक्शन मिलेगा। सरकार ने हमको अंडर एस्टिमेट करके सोचा था, आखिर इनको 2-4 दिनों के अंदर हड़ताल करवा के उठा देंगे, लेकिन अब सरकार की गले की हड्डी बढ़ चुके हैं हम लोग। न तो सरकार ये सोच पा रही है हम दे तो कितना दे, उठाए तो कैसे उठाए। साथियों, हमने अपनी इंसानियत के नाते सरकार का भरपूर सहयोग दिया। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में अपने पूरे साथियों को भेज करके वहां पे सिरसा और फतेहाबाद के अंदर हमने सरकार के सारे काम करवाए। ब्लड डोनेशन के माध्यम से करीब 1500 यूनिट प्लस हमने सैनिकों के नाम पे ब्लड दिया। इंसानियत के नाम पे हमने किसी भी तरह से सरकार को झुकने नहीं दिया। जब सरकार ने डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हम लोगों ने हरियाणा सरकार को नंबर 1 बनाया, लेकिन आज सरकार उन सब बातों को भूल करके, कल रखों को अंडर एस्टिमेट करके एक तुच्छ 21,700 का एक ऐसा हमारे साथ बद्दा मजाक किया है जो कि हम सहन नहीं कर पा रहे। साथियों, आपका साथ बना रहेगा, आपका जोश बना रहेगा तो हम विश्वास दिलाते हैं सरकार चाहे कितने पापड़ फैले, हम भी 35,400 की अपनी मांग से अडिग डिगेंगे नहीं, अडिग रहेंगे और अंगद की तरह पैर जमा करके रखेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। साथियों,